विश्व और समाज में शांति और सुख का वातावरण बना रहे इसी भावना के साथ लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु एवं गो ग्रीन की तख्तियां अपनी साइकिल पर लगाकर केरला के 5 युवा इस भीषण गर्मी में साइकिल द्वारा केरल से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान जब ये युवा आगर पहुंचे तो बड़ौद चौक चौराहे पर रुद्राक्ष सेवा समिति द्वारा इनका स्वागत किया गया। इस दौरान इन्होंने बताया कि उन्होंने यह यात्रा 1 अप्रैल से शुरू की है और अभी तक 2300 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं तथा अभी 2500 किलोमीटर का सफर तय कर वे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और इस फिर वापसी भी इसी तरह से साइकिल द्वारा करेंगे। इस भीषण गर्मी में साइकिल से इतना लंबा सफर तय करने के कारण पूछने पर युवाओं ने बताया कि विश्व और समाज में शांति और सुख का वातावरण बना रहे इसी भावना के साथ वह यह यात्रा कर रहे हैं। इस अवसर पर रुद्राक्ष सेवा समिति के गौरव जैन, मनोज परमार, शिवम टॉक, अनिल वर्मा, सचिन बाथम, करनी सेना के संतोष सिंह, राइट नाउ यू आर इन आगर फ्रॉम वेयर यू व्हेन यू प्लान टू विजिट प्लान दिस विजिट एंड हाउ यू प्लान वी आर प्लान दैट आवर केरला में से ओके वी स्टार्टेड एट अप्रैल फर्स्ट ओके एंड वी कंप्लीटेड 2300 किलोमीटर्स नाउ 2300 किलोमीटर अप टू आगर अप टू आगर एंड हाउ मच रिमेनिंग हाउ मच मोर किलोमीटर्स रिमेनिंग वी हैव 2500 मोर किलोमीटर्स टू यू टू गो ओके जम्मू एंड कश्मीर ओके ओके एंड अगेन यू बैक हाउ डू यू बैक इन साइकिल बाय साइकिल ओ ओके What your message you want to give to society or why you plan for only cycle to go from Kerala to Kashmir? Everybody is going with bikes and cars. I think it's a different thing to be in cycle. Yeah, it's a different thing, but I am actually asking because that season is summer season, and you plan in summer season from Kerala to Kashmir. That's it's too hot. And any social message you want to give to society for our society? Loka samasta sukhino bhavantu. What the mean is this? Let the world live in peace. Let the world live in peace. आगर मालवा से संवाददाता एहतेसाम खान की रिपोर्ट।